IPL 2024 के ऑक्शन के बाद अब यहाँ पर सभी 10 टीमों के स्क्वाड फुलफिल हो चुके हैं, और अब सभी टीमों के स्क्वाड फुलफिल हो जाने के बाद अब सभी टीमों की यहाँ पर IPL 2024 के सीजन की प्लेइंग 11 भी कंफर्म्ड हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में सभी 10 टीमों की IPL 2024 के सीजन की यहाँ पर ऑफिशियल प्लेइंग 11 बताऊंगा, तो आपके लिए यहाँ पर यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं हमारे चैनल पर नए, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली के लिए कंफर्म्ड है कि डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, जबकि नंबर 3 पर मिचेल मार्श और नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत आते हुए दिखेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर हमें इंग्लैंड के यहाँ पर हैरी ब्रुक देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर कुमार कुशाग्रा खेलेंगे, और नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर एनरिक नोरके, और नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मुकेश कुमार, और नंबर 11 पर हमें खलील अहमद खेलते हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 रहेगी, जहां पर बॉलिंग लाइनअप इस टीम का काफी सेटल नजर आ रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो मुंबई के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपन करेंगे, नंबर 3 पर तिलक वर्मा और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, और नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 पर अब रोमारियो शेफर्ट खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 8 पर जेराल्ड कोटिजी खेलेंगे, नंबर 9 पर पीयूष चावला, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर जेसन बैरनडोर्फ हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार से मुंबई इंडियंस की भी प्लेइंग 11 रहेगी, जहां पर काफी स्ट्रांग मुंबई की प्लेइंग 11 नजर आ रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, जबकि नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी और नंबर 4 पर हेनरिक क्लासेन, नंबर 5 पर अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 7 पर वनिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर पैट कमिंस खेलेंगे, और नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर टी नटराजन और नंबर 11 पर उमरान मलिक हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो हैदराबाद की ऑन पेपर तो प्लेइंग 11 काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पर हैदराबाद की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ IPL जीत पाएगी या फिर नहीं। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। तो कोलकाता के लिए गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे, नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर नीतीश राणा और नंबर 5 पर रिंकू सिंह खेलेंगे, नंबर 6 पर आंद्रे रसल, नंबर 7 पर सुनील नारायण, नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क खेलेंगे, और नंबर 9 पर चेतन साकरिया, नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 पर हर्षित राणा खेलते हुए दिखेंगे। जहां पर अब मिचेल स्टार्क के कोलकाता में आ जाने के बाद कोलकाता की बॉलिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, और इस टीम का बैटिंग ऑर्डर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो यहां पर कोलकाता की काफी स्ट्रांग प्लेइंग 11 दिख रही है। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या यहां पर कोलकाता की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ IPL जीत पाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं RCB की प्लेइंग 11 की। तो RCB के लिए विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे, नंबर 3 पर रजत पाटीदार, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन खेलेंगे, इसके बाद नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक और नंबर 7 पर सुरेश प्रभुदेसाई, नंबर 8 पर करण शर्मा, नंबर 9 पर यश दयाल, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर अलजारी जोसफ खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर RCB की प्लेइंग 11 रहेगी, जहां पर RCB का टॉप ऑर्डर तो हर साल की तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन लोअर ऑर्डर में इस टीम को समस्या हो सकती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान के लिए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन खेलेंगे, और नंबर 4 पर रोमन पोवल और नंबर 5 पर सिमरन नेटमायर, नंबर 6 पर रियान पराग खेलेंगे, तो नंबर 7 पर रवि अश्विन और नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 11 पर आवेश खान अब खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर राजस्थान की IPL 2024 के सीजन के लिए प्लेइंग 11 रहेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो चेन्नई के लिए यहां पर ऋतुराज गायकोड और डेविन कॉनवे ओपन करेंगे, नंबर 3 पर अजिंक्य राणे, नंबर 4 पर शिवम दुबे और नंबर 5 पर डेरल मिचेल खेलेंगे, नंबर 6 पर कप्तान MS धोनी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर महेश तीक्षणा, नंबर 11 पर मथीसा पतिराना खेलते हुए नजर आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 रहेगी, जहां पर अब डेरल मिचेल और शार्दुल ठाकुर के CSK में आ जाने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस टीम की प्लेइंग 11 हो गई है। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या यहां पर CSK की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ IPL जीत पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो पंजाब के लिए कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपन करेंगे, नंबर 3 पर प्रभसिमरन सिंह, नंबर 4 पर लियम लिविंगस्टोन, नंबर 5 पर जितेश शर्मा, नंबर 6 पर सैम करन खेलेंगे, इसके बाद नंबर 7 पर हरप्रीत बरार, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर कागिसो
किशोर अबाड़ा और नंबर 10 पर राहुल चेहर और इसके बाद यहाँ पर नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 रहेगी। तो दोस्तों पंजाब किंग्स का टॉप ऑर्डर ठीक ठाक दिख रहा है, ऑन पेपर तो पंजाब किंग्स की भी प्लेइंग 11 काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 की। तो गुजरात के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपन करेंगे और नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर केन विलियमसन, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर शाहरुख खान, नंबर 7 पर राहुल तवेटिया खेलेंगे, नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर स्पेंसर जॉनसन, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी, नंबर 11 पर मोहित शर्मा हमें यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 रहेगी, जहाँ पर टॉप ऑर्डर तो गुजरात टाइटन्स का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और बॉलिंग लाइनअप भी इस टीम का ठीक ठाक ही दिख रहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो लखनऊ के लिए यहाँ पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिको को ओपन करेंगे, इसके साथ ही नंबर 3 पर देवदत्त पाडिकल, नंबर 4 पर निकोलस पुरन, नंबर 5 पर कृणाल पांड्या, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, नंबर 7 पर दीपक हुड्डा, नंबर 8 पर शिवम मावी, नंबर 9 पर मार्क वुड, नंबर 10 पर रवि बिश्नोई और नंबर 11 पर यश ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर इस टीम की प्लेइंग 11 रहेगी, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस टीम की प्लेइंग 11 नजर आ रही है। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर सभी 10 टीमों में से कौन सी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 लगी है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी आईपीएल टीम आईपीएल 2024 के सीजन में विनर बन रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना।